हे गाइस, मैं हूं दिगीशा। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं मसाला सिकंजी की रेसिपी। इसे नींबू सिकंजी भी बोलते हैं। तो यहां पे मैंने एक बाउल में 2 चम्मच सब्जा सीड्स लिया है, जिसमें पानी डाल के इसमें मैं 5 मिनट तक इसे सोक कर लूँगी। यहाँ पे मैं सिकंजी मसाला आपको बनाना भी सिखाऊंगी, जिसे आप स्टोर कर सकते हो। एंड गर्मियों में आपको जब भी सिकंजी पीने का मन हो, सिर्फ 2 मिनट में सिकंजी रेडी हो जाएगी। तो एक पैन में यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जीरा ऐड कर लिया है। जीरा को तकरीबन 30 सेकेंड्स to 1 मिनट ड्राई रोस्ट किया है। जीरे में से खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए, तब तुरंत गैस की फ्लेम हमें बंद कर देनी है। एंड इसे थोड़ा ठंडा होने देना है। तो यहाँ पे जीरा ठंडा हो चुका था, तो मैंने इसे मिक्सिंग जार में ऐड कर लिया है। देन यहाँ पे और 2 चम्मच मैं ऐड करूँगी जीरा। 1/2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है काली मिर्च। 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, ये नॉर्मल सॉल्ट यूज़ किया है। एंड और 1/2 टेबल स्पून इसमें काला नमक ऐड कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून ड्राई पुदीना ऐड करेंगे, जिसे मैंने घर पे ही ड्राई करके स्टोर किया है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरी चैनल पे है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में चेक कर सकते हो। एंड 1/2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर ऐड कर देंगे। इसे मिक्सी में अच्छे से हमें फाइन पाउडर बना देना है। एंड ये पाउडर को हम एयर टाइट कंटेनर में 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 नींबू का जूस निकाल लूँगी। एंड अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है तो उसे क्रश करके लास्ट में ऐड कीजिए। गर्मियों में शिकंजी पीने से हमें इलेक्ट्रोलाइट मिलता है, जो हमारी बॉडी को कूल एंड हाइड्रेटेड रखता है। गर्मियों में पसीना होता है, तो पानी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो भी बह जाते हैं, तो शिकंजी वो कमियों को पूरा करता है। शिकंजी डाइजेशन के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड वो माउथ फ्रेशनर का भी वर्क करता है। तो यहाँ पे मैंने सर्विंग के लिए 2 ग्लास ले लिए हैं, जिसमें 1/2 टेबल स्पून शिकंजी मसाला ऐड कर लूँगी। देन यहाँ पे मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड की है। शुगर आप स्किप करना चाहे तो स्किप कर सकते हो। 1 ग्लास में पानी से बनाऊंगी एंड दूसरे ग्लास में सोडा ऐड करूंगी। देन यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सब्जा सीड्स ऐड कर लिए है, जिसे हमने सोक करके रखा था। सब्जा सीड्स बॉडी की हीट को रिड्यूस करते हैं। देन 2 चम्मच यहाँ पे मैंने लेमन जूस ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैं ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ 1 ग्लास में, एंड दूसरे ग्लास में मैं सोडा ऐड करूँगी। दोनों को अच्छे से मिला लेंगे एंड इसे ठंडा ही सर्व कीजिए। अगर आप चाहे तो आइस क्यूब भी इसमें ऐड कर सकते हैं। शिकंजी मसाला घर पे बनाना बहुत आसान है एंड इसे आप 2 मिनट में रेडी कर सकते हो, अगर आपके पास मसाला रेडी है तो। तो ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। मिलती हूँ मैं आपको नए एक वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।